नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेजन से ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपने भी अमेजन से ऑर्डर किया है और आपने अमेजन पर जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है और आप अमेजन से ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमेजन एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे की ओर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको योर ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको योर ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। योर ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जो भी ऑर्डर किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने टी शर्ट को ऑर्डर किया, तो गाइस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, टी शर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फ़िलहाल टी शर्ट को ऑर्डर किया था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो भी ऑर्डर किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की ओर कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंसिलेशन रीजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप ऑर्डर को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको एक रीजन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग कई सारे रीजन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप किसी एक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं इस रीजन को सिलेक्ट करता हूँ, इस रीजन को सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कैंसिल चेक्ड आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कैंसिल आइटम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अमेजन एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इजी तरीके से अमेजन एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं कि अमेजन एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर कैंसिल हुआ है कि नहीं, तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको कैंसिलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैंसिलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैंसिलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टी शर्ट का ऑर्डर कैंसिल किया था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंसिलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप ईजी तरीके से अमेजन एप्लीकेशन पर अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।